Chale, let's start. So last time we discussed about the 20 elements, their electronic configuration, their valency and the ions that we formed from them. Ek dekh piche. Evan, tere ko samajh nahi aaya beta, maine tere ko kahan bheja hai? Last second desk pe bheja hai aapko. Right? So next we were discussing about तो आपने एटॉमिक मास का कंसेप्ट किया है जहां पर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस बताए हैं. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस व्हाट इज एटॉमिक मास एक्चुअली, तो आपको पता है एक एटम है. एटम के अंदर क्या होता है? देयर इज न्यूक्लियस. In the atom, there is a nucleus that is actually in the center and that carries a positive charge. ठीक है? और जो उसकी आसपास हैं electrons, they revolve in an orbit. एक circular orbit में उसके आसपास घूमते हैं. This is the basic model of an atom. Center में nucleus है, center में positive charge है और उसके आसपास जो electrons हैं वो revolve करते हैं. ठीक है? अब ये जो मैंने सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बनाया है, यानी कि ये जो सेंटर का न्यूक्लियस है, ये किस किस का बना हो सकता है? दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सीधे बैठो मिलन. ओके, वेयर द प्रोटॉन्स दे कैरी विच चार्ज? न्यूट्रॉन्स कैरी. दे आर न्यूट्रल और दे आर हैविंग नो चार्ज. तो यानी कि न्यूक्लियस का जितना चार्ज है दैट इज ओनली ड्यू टू द प्रोटॉन्स. तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का जितना चार्ज है वो प्रोटॉन्स का ही चार्ज है. यानी कि जितना चार्ज प्रोटॉन्स पे होगा उतना ही चार्ज जो है वो न्यूक्लियस. अब आपको आप आगे फर्दर पढ़ोगे दैट द होल मास ऑफ द एटम इट लाइज इन द सेंटर. कि जितना भी एटम का मास है वो सारा कहां पर लाई करता है? सेंटर में. सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस. यानी कि हम किसका मास देखेंगे? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का मास देखेंगे. और न्यूक्लियस किसका बना है? ठीक है, तो यानी कि जो भी एटम का मास है दैट इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ. दैट इज एक्चुअली द मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो जो आप एटॉमिक मास लिखते हो दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, तो मैं लिख सकती हूँ ऐसे. अब एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. कैन आई राइट इट? अब देखो नेक्स्ट चीज. और यू हैव स्टडीड दैट एटम्स दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. एटम का साइज बहुत छोटा होता है, पढ़ा ना हमने? इट्स क्वाइट स्मॉल इन साइज. ओके, तो वो जो उसका साइज है इट इज यूजली मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. एटम का जो साइज है हम किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर. साइज इन द सेंस वी विल बी मेजरिंग इट्स एटॉमिक रेडियस. हम क्या मेजर करते हैं? इसका रेडियस मेजर करते हैं, रेडियाई मेजर करते हैं. अब रेडियस आपके लिए रेडियस क्या होता है? अगर आप मैथ्स की बात करो तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, यही रेडियस कहते हैं ना? ठीक है, सर्कल के सेंटर से जो लास्ट तक का डिस्टेंस होता है उसको आप क्या कहते हो? रेडियस. अब मेरे पास भी तो कुछ ऐसा ही बना हुआ है. यहाँ पे ये मेरा सेंटर है, न्यूक्लियस मेरा सेंटर है. मैं न्यूक्लियस से यहां तक का डिस्टेंस देखूंगी, यहां तक का या यहां तक का? लास्ट तक का देखूंगी. वेयर द लास्ट शेल, शेल्स है ना ये? दीज आर द शेल्स और ऑर्बिट्स. जहां पर ये जो लास्ट शेल है इसको हम कौन सी शेल कहते हैं? विच शेल वी कॉल्ड इट? वैलेंस शेल.
जो लास्ट शेल है, द लास्ट शेल और द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, व्हाट इज वैलेंस शेल? इट इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम. एटम की सबसे बाहर वाली शेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल. ध्रुव थोड़ा सा इधर देख लो, कुछ समझ आ जाए बेटा. यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? हाँ ना, कुछ तो बोलो. ओके, एटॉमिक रेडियाई. रेडियाई क्या है? डिस्टेंस है सेंटर से लेके लास्ट तक का. हम लास्ट यहां तक कौन सी शेल देखेंगे? जो बाहर वाली शेल है. बाहर वाली शेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं. क्या है ये? आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम. एटम के बिल्कुल बाहर वाली शेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल. ओके, और इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हाँ, जो इस शेल के अंदर होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. जैसे सपोज आई एम राइटिंग द कॉन्फिगरेशन दिस, व्हाट इज द वैलेंस शेल हियर? वन वैलेंस शेल है. शेल का नंबर बताओ. शेल्स कैसे स्पेसिफाई करते हैं? तो इसकी कौन सी शेल है? एन शेल है. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. समझ आया? इसकी शेल कौन सी है? वैलेंस शेल. बिल्कुल बाहर वाली शेल देख रही है, सबसे लास्ट वाली, दैट इज एन शेल. ठीक है, और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? अब इसका बताओ. वैलेंस शेल एल, एल शेल है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइव. ठीक है, ये क्लियर हो गया. लाइक आई टोल्ड यू, एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस अब हम कैसे मेजर करते हैं? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम. यही रेडियस है ना? रेडियस हम ऐसे कहते हैं ना, डिस्टेंस कहां से? सेंटर टू द लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस. हां जी, यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर टिल नाउ? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल ऑफ द एटम. सेंटर से बिल्कुल लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज द एटॉमिक रेडियस. हो गया क्लियर? अब मैंने आपको बताया है कि जो आपका एटम है वो बहुत बहुत छोटा है साइज में. सो यू कैन राइट डाउन, एटॉमिक रेडियस इज जनरली मेजर्ड, एटॉमिक रेडियस इज जनरली मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. इन नैनोमीटर्स एटॉमिक रेडियस बहुत बहुत छोटा होता है और उसको हम किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर्स. ओके, वेयर यू कैन राइट डाउन, वन नैनोमीटर मीटर. ये आपको पहले भी करवाया हुआ है. किस चैप्टर में? ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन में करवाया था. ठीक है, तो नैनोमीटर में मेजर करते हैं. वेयर वन नैनोमीटर इज 10^-9 मीटर. नाउ यू आर हैविंग अ टेबल. ठीक है, इस टेबल में हमने रेडियस बताए हैं और किस किस की एग्जाम्पल है उतने रेडियस में. तो ये आपने एनसीईआरटी में टेबल लर्न कर लेना. ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन,
हेयर आई विल बी राइटिंग द रेडियाई और इधर एग्जांपल्स जिन जिनका वो रेडियाई है, ठीक है, और रेडियाई यहाँ पर मैं मीटर्स में लिखूंगी. 10^-10 बहुत छोटा है, दैट इज द एटम ऑफ हाइड्रोजन. एटम ऑफ हाइड्रोजन का रेडियाई कितना है? 10^-10. मुझे आवाज क्यों आ रही है? नेक्स्ट इज 10^-9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज 10^-8 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन. (10^-4) ग्रेन ऑफ सैंड. सैंड का ग्रेन 10^-4 है. चींटी 10^-3. (10^-1) means size बड़ा है, ठीक है, that is the size of an apple. तो ये वाले जो starting वाले sizes है, they are quite small, बहुत छोटे हैं, 10, 9, 8 वाले. उसके बाद sand का grain भी आपको दिखता है, visible है, चींटी भी, ant भी आप देख सकते हो, ठीक है, और apple तो बहुत बड़ा size हो जाता है, okay? So this can be the your MCQ questions also, that the size of the apple is in the range of, ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि size of apple किस range में है. Options दे सकते हैं 10^-1, 9, 8, तो आपने उसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है. हेमोग्लोबिन HB. क्लियर? तो किसी भी मैटर को बनाने में देयर आर बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द एटम्स दैट एक्चुअली कंबाइन टू फॉर्म अ मैटर. ये नहीं है कि एक एटम जो है वो मिलके बना रहे हैं या 10 एटम आप कंबाइन करोगे. दे विल बी सो मच इन नंबर्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस में ये नंबर जाता है किसी भी सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए. ओके, नाउ राइट डाउन सम ऑफ द सिंबल्स दैट आर एक्चुअली रिटन इन योर एनसीईआरटी, ठीक है. हाइड्रोजन का सिंबल, और ये सिंबल्स आपने कॉपीज पे बनाने हैं. सम ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, जो एंशियंट वाले मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे ना, जिनके लेटन नेम डिराइव्ड हुए हैं, वहीं से ये जो है वो कुछ सिंबल्स डिराइव्ड हैं. ओके, एंड दी सिंबल्स दे वर प्रपोज बाय द डाल्टन. पुराने टाइम पे अगर आप ऐसे ही बोलते रहोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी, मुझे ये बताओ. लास्ट डेक्स अगर आपने नहीं पढ़ना है, दरवाजा खुला है बेटा, यू कैन गो. आगे आ जाओ, एक ये दो जो बैठे हुए हैं, आओ जल्दी बेटा, आएगा राइट डाउन द सिंबल फॉर हाइड्रोजन. दिस इज द सिंबल फॉर हाइड्रोजन. फॉर कार्बन शेड करना है आपने इसको. ओके, सो दीज वर सम ऑफ द सिंबल्स दैट वर एक्चुअली गिवन बाय द डाल्टन. Circle is for the oxygen. This is for phosphorus. Lead symbols. Sorry, not lead, sulfur.
हाँ आयरन बीच में सी लिखा है डैट इज कॉपर बीच में एल लिखा है डैट इज लेड एस लिखा है सल्फर सॉरी सिल्वर सिल्वर नॉट सल्फर सिल्वर हाँ जी बेटा ये थोड़ी नोटेशन देख लेना ठीक है जी इज फॉर गोल्ड पी फॉर प्लेटिना प्लेटिना मीन्स प्लेटिनम ठीक है This is for mercury. Okay. This is for mercury. मैंने तभी बोला गोल्ड और मर्करी का देख के ठीक है गोल्ड में एक तो अंदर जी है और जो उसके साइड्स हैं वो थोड़े तीखे तीखे प्लेटिना पहले लेटिन में उसको प्लेटिना कहते थे अब आता है डन बेटा यहाँ तक अब थोड़ा सा आपके ऊपर है कि आपने ये जो आयंस हैं वो कैसे लर्न करने हैं वैसे तो मैं आपको बताऊंगी सारे मेथड्स लर्न करने के ठीक है बट स्टिल हर टाइम उसको दिमाग में रखना है आपने तभी ये सिंबल्स पॉसिबल हैं तभी हम केमिकल फॉर्मूलाज जो है वो लिख सकते हैं अगर वो आपको हर टाइम याद है ओके नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन सम ऑफ द आयंस फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के जो आयंस हैं वो तो आपको रटे होने चाहिए इफ आई टॉक अबाउट सोडियम सोडियम पे क्या चार्ज है 1 पॉजिटिव तो आपने Na पॉजिटिव याद रखना है पोटेशियम K पॉजिटिव ठीक है ऑक्सीजन O2 नेगेटिव ठीक है नाइट्रोजन N3 नेगेटिव सल्फर S2 नेगेटिव ठीक है अब ये सारे जो आयंस है आपको फर्स्ट 20 के लिए तो याद होने चाहिए फर्स्ट 20 के अलावा और भी कुछ हमारे स्पीशीज हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे और ये आपने याद रखने हैं बेटा आई एम सेइंग अगेन ठीक है याद रखने हैं और फर्स्ट 20 भी याद रखने ठीक है See, these are the names and symbols of some ions. Ions का मतलब क्या होता है? What do you mean by ions? So here we will be talking about the positively and the negatively charged species, जिनके ऊपर या positive charge होता है या negative charge. ठीक है? इसमें से आपने sodium का याद रखना है. बता दिया मैंने. Potassium भी first 20 में आता है. उसके बाद लिखो सिल्वर सिल्वर का क्या सिंबल है Ag अब इसके ऊपर क्या चार्ज आता है 1 पॉजिटिव ठीक है कॉपर Cu के ऊपर वेरी गुड Cu1 Cu2 अब ये जो रोमन्स में मैंने 1 और 2 लिखा है
ये क्या शो करता है इसकी वैलेंसी, वैलेंसी याद है कितने इलेक्ट्रॉन्स ये दे सकता है या ले सकता है, ठीक है। कॉपर ने क्या बनाना है, एक्चुअली दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इसको इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, बजाय कि इसका मैं वन यहाँ पे शो करूं, मैं इसको ऐसे भी शो कर सकती हूँ, जहां पर मैं क्या कह रही हूँ कि ये वन जो है वो ऐसे रोमन में मैं लिख सकती हूँ उसका चार्ज, ठीक है। सिमिलरली Cu2 पॉजिटिव, इसका मतलब मैंने कौन सी वैलेंसी वाला कॉपर दिया है आपको, टू वैलेंसी वाला, जहां पर वो क्या है टू पॉजिटिव, ओके क्लियर है। अगर पेपर में ये दे दिया है तो इसका मतलब आपने निकालना है कि ये तो मुझे क्या दिया हुआ है, Cu पॉजिटिव दिया हुआ, दोनों शो करता बेटा, वो बिहेवियर है वो आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ो, समझ आया। पेपर में अगर आपको बस कर अगर आपको ऐसे गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, टू पॉजिटिव चार्ज। आगे लिखो, मैग्नीशियम पे फर्स्ट 20 में टू पॉजिटिव, कैल्शियम टू पॉजिटिव, आयरन अब इसका क्या मतलब है, यानी कि Fe2 पॉजिटिव भी है और Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। जिंक Zn2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है अपने फर्स्ट 20 में Al3 पॉजिटिव, ठीक है जी। यहां तक सारे पॉजिटिव हैं, ये जितने मैंने लिखे हैं प्लस 120 एलिमेंट्स में भी जो है पॉजिटिव वाले, ये सारे हैं, आपने ये सारे पॉजिटिव वाले लर्न करने हैं। रुको बताती हूँ, पहले इतना तो कर लो लर्न। आपने दोनों चीजें याद रखनी है क्योंकि पेपर में जैसे मर्जी गिवन हो सकता, ठीक है। पेपर में आपको ये भी गिवन हो सकता है, इसका मतलब आपने खुद निकालना, ठीक है। इसका मतलब आपने खुद डिड्यूस करना है कि ये कॉपर पॉजिटिव, ओके। ये गिवन होगा तो डायरेक्टली आपको पता है, नहीं गिवन होगा तो फिर डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू अज्यूम कि ये कॉपर पॉजिटिव, क्लियर है। हाँ देगा, पॉजिटिव मीन्स इट इज कैटायन एंड इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, ओके। And I am repeating again, along with silver, copper, iron, and zinc, you have to include all the cations from first 20 elements. Nikal jao bahar. Main beta kyun khadi hu class mein? Main kyun khadi hu? Ek to seedhe baitho pehle. Theek hai? अब नेक्स्ट करते हैं एनायंस, कैटायंस यहां तक हो गए हैं। स्टार्ट फ्रॉम क्लोरीन लिखा है आपने, क्लोरीन लिखा है 17 नंबर पे, क्लोरीन लिखा है। जब वो आयंस में चेंज हो जाता है तो उसको क्लोराइड लिख देते हैं, आयंस में। बेटा तसल्ली रखो और आराम से सुनो, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनो। व्हेन क्लोरीन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स आयनिक फॉर्म, इट चेंजेस फ्रॉम क्लोरीन टू क्लोराइड, ठीक है। तो ये बन जाएगा Cl नेगेटिव, ऐसे ही लिखते हैं ना, Cl नेगेटिव ही लिखते हैं। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो देन इट चेंजेस इनटू क्लोराइड आयन, तो Cl नेगेटिव इज व्हाट, क्लोरीन नहीं लिखना, इसको क्या लिखना है, क्लोराइड।
सिमिलरली जब ऑक्सीजन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो हमने ऑक्सीजन नहीं लिखना है उसको, क्या लिखना है? ऑक्साइड. क्या लिखना है? ठीक है, जैसे आपने क्लोरीन लिखा है वैसे ही आ जाता है ब्रोमीन. ठीक है, ब्रोमीन इज Br. तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो ये बन जाएगा ब्रोमाइड, Br नेगेटिव. ऐसे ही आता है आयोडाइड, आयोडाइड इज I. ठीक है, आयोडीन का आई टू आई. ठीक है जी, हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोक्साइड नहीं लिखेंगे. जब आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है. जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो डेट इज एच पॉजिटिव हाइड्रोजन. क्या लिखना है? हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव. जब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्राइड. क्या है? हाइड्राइड. ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव. मिलते हैं, वो भी करवाऊंगी अभी. हाँ जी, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, पॉजिटिव वाले समझ आ गए और नेगेटिव वाले क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड और आयोडाइड. ठीक है, फ्लोराइड नहीं कराया, चलो क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, हाइड्रोजन अगर प्लस में है तो हाइड्रोजन ही है, अगर नेगेटिव है तो हाइड्राइड. अब इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आर कंफ्यूजिंग ऑल्सो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयंस जो कंफ्यूजिंग है. कॉपर सल्फेट, क्या फॉर्मूला होता है? रटा हुआ है ना आपको छोटी क्लासेस से? SO4 2 नेगेटिव. क्या बोला अभी आपने? कॉपर का फॉर्मूला ये होता ना, कॉपर सल्फेट का H3SO4, तो आप इसको कॉपर कह देते हो और इसको क्या कहते हो? ठीक है, क्लियर है? फिर अब इस S में से या इस एक ऑक्सीजन, यहां से मैंने ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन कम कर देनी है. सल्फेट का फॉर्मूला आपको याद है SO4 2 नेगेटिव, उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो बस, दैट इज सल्फाइड. अगर एक ऑक्सीजन कम कर दी है तो ए को किसमें चेंज कर दो? आई में. चेंज दिस ए इनटू आई. ठीक है, ये सारे आयनिक फॉर्म्स हैं, सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन. आपको जो पता है आपने पहले वो लिखना है, यू नो सल्फेट, उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो सल्फाइड में. सारी की सारी ऑक्सीजन रिमूव कर दो, रिमूव ऑल द ऑक्सीजन. अकेला क्या बचेगा? एस के साथ, एस के साथ टू नेगेटिव, एट आइड, आइड. समझ आया? दिस इज एट, दिस इज एट, एसओ फोर टू नेगेटिव. आपको पता है सल्फेट का फॉर्मूला, इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो, निकाल दी ना, एट का आपने किस में चेंज कर देना है? आइट में, लास्ट में आइट लगाना है. एट को किस में कन्वर्ट कर देना है? आइट में. जब सारी की सारी ऑक्सीजन रिमूव कर दी, अकेला सल्फर बचेगा और उसके ऊपर टू नेगेटिव चार्ज, तो आइट के बाद आपने इसको किस में चेंज कर देना है? एट आइट आइड. ठीक है,
Thank you.